हे गाइस वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी है क्लास ट्वेल्थ की हम बेसिकली अभी चैप्टर थ्री पर है क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी बायोलॉजी के विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन और लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो इससे पहले कि हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ें हम बेसिकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ना तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आज पूरी तरीके से कवर करेंगे अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं है ना तो पहला तो जो है पार्ट होता है वो होता है एक पेयर ऑफ ओवरीज और एक पेयर ऑफ ओविडक्ट ठीक है तो पहला पार्ट क्या हो गया ओवरीज उसके बाद होते हैं ओविडक्ट ये दोनों वन पेयर होते हैं ठीक है मतलब दो होते हैं फिर होता है आपका यूट्रस उसके बाद सर्विक्स और एंड में होता है वजाइना और वजाइना के अलावा जो है एक्सटर्नली जो आपको दिखता है तो वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी केस में हमने देखा था है ना तो ये जो आपका है ये हो गया पूरा और इस ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट नहीं एक चीज मिस कर दिया आपने इसके अलावा जो है मैमरी ग्लैंड भी तो होते हैं फीमेल्स में ये मैमरी ग्लैंड को मिलाकर हम बोलते हैं बनता है हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो आउटर एंड से बेसिकली पेल्विक रीजन का स्ट्रक्चर देखें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन में ही होता है ठीक है तो यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको यहां पर दिखेगा यूट्रस ठीक है और यहां पर यूरिनरी ब्रांच बेसिकली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है वो भी यहाँ पर आपको साथ में दिया क्योंकि वो भी पेल्विक रीजन में ही होता है तो ब्लैडर दिख रहा है आपको है ना यूरिथ्रा दिख रहा है जो अगेन सिस्टम का पार्ट है यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो रेक्टम दिख रहा है एनस दिख रहा है है ना अब इसके अलावा यहां पर आप ऊपर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्यूजिक सिंफाइसिस है ना बेसिकली यहाँ पर ही आपके ऊपर प्यूबिक हेयर होते हैं अंदर आपको यहाँ पर नीचे जो एकदम सबसे ऊपर एक पार्ट दिख रहा है वो है क्लेटोरिस है ना उसके बाद आपको दिखेगा लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा और आपको दिख रहा है जो विजाइनल ओपनिंग है जो विजाइनल है, ठीक है ये जो आपको एक ये कनाल जैसी दिख रही है ये होता है वजाइना और यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है पोर्शन ये होता है सर्विक्स जो बेचेकली वजाइना को जोड़ता है यूट्रस से है ना तो क्योंकि ये हमारे यूट्रस है ठीक है तो ये तो आपका एक पेल्विस रीजन में किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है ये वो हो गया अब ये जितने भी आपने टर्म्स पढ़े हैं परेशान होने की जरूरत नहीं ये सारे टर्म्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवरी है ना तो ओवरी जो है बेसिकली बोला जाता है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट जो होता है ओवम है ना तो जिस तरीके से आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ओवरी जो कि फीमेल गैमेट जो ओवम है वो प्रोड्यूस करता है इसके अलावा ओवरी कुछ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जैसे कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी आपका जो आ, बेसिकली जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर था वो भी तो प्रोड्यूस रहा था वैसे यहाँ पर भी ये भी कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है अब ओवरीज जो है लोकेटेड होते हैं हर जो आपका लोअर ऑब्डमन है तो बेसिकली पेयर ऑफ ओवरीज है तो दोनों साइड में एक लेफ्ट और एक राइट right, दो ओवरीज होते हैं अब हर ओवरी जो है और मैं इसमें एडल्ट में बात कर रही हूँ हर ओवरी जो है वो टू टू फोर सेंटीमीटर होती है लेंथ में ठीक है और कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से सपोर्ट के लिए और यूट्रस से भी किस चीज से लिकामेंट से तो ये पेल्विक वॉल और यूट्रस दोनों से ही कनेक्टेड होती है लिगमेंट्स के थ्रू ठीक है अब हर ओवरी जो है आपका वो कवर्ड होती है एक थिन एपिथीलियम से जो कि करता है ओवरियन स्ट्रोमा को तो यहां पर गाइस अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां आप देख रहे हैं कि थिन एपिथीलियम है ना जो कवर करा हुआ है तो ये जो कवर्ड होता है उस वो वो इनक्लोज कर रहा है आपका पूरा ओवरियन जो स्ट्रोमा है उसको अब जो आपका वो ओवरियन स्ट्रोमा है वो दो ज़ोन्स में डिवाइड होता है एक तो पेरीफेरी पे होता है कॉर्टेक्स और अंदर होता है मेड्यूला तो याद रखिए पेरीफेरी पे होता है कॉर्टेक्स और अंदर होता है मेड्यूला ठीक है तो ये तो हो गया आपका ओवरी का स्ट्रक्चर हम इस स्ट्रक्चर को आगे भी पढ़ेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है फिर से पेयर ऑफ इन को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं क्या बोलते है? fallopian tube भी बोलते हैं हैं फेलोपियन ट्यूब भी तो आपका जो फेलोपियन ट्यूब है उसके बाद आता है यूट्रस और उसके बाद आता है विजाइना ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये मिलकर बनाते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स तो ये डक्ट्स हैं जो आपके ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं उसको बेसिकली ये यूट्रस तक लाते हैं ठीक है तो बेसिकली ये एक तो ये डक्ट है फेलोपियन ट्यूब जो कि यूट्रस तक लाता है और दूसरा जो आपका विजाइना है वो जब स्पर्म की एंट्री होती है ना तो वो भी स्पर्म को यूट्रस तक लाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, है ना अब ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब है उसके बारे में पढ़ते हैं तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो होता है अराउंड टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग और ये एक्सटेंड करता है ओवरी से लेकर ये कहां से एक्सटेंड करता है ये ओवरी से लेकर और यूट्रस तक जाता है ठीक है अब इसमें देखिए तो बेसिकली अगर मैं इस डायग्राम को लेबल करूं तो ये जो पूरा है ना ये जो पूरा पार्ट है ये ये है फेलोपियन ट्यूब ठीक है या डक्ट तो ये बेसिकली हो गया फेलोपियन ट्यूब या इनको हम ओवीडक्ट भी बोलते हैं अब इसमें जो एज पे है जो एज है ठीक है जो कि बेसिकली जो एज जो कि ओवरी के पास है ये वाला जो पोर्शन है ठीक है इसको बोलते हैं इनफंडेबुलम और ये जो एज पे फंड इनफंडिबुलम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली सबसे जो एज पे पोर्शन है फिंगर लाइक -like, वो है फिम्ब्रीए और जो ओवरी के पास है जो ओवरीडक्ट का पार्ट वो है इनफंडिबुलम अब बेसिकली ये जो फिम फिम्ब्रीए है ये हेल्प करता है जब ओव्यूलेशन के बाद ओवम बाहर आता है ओवरी से तो उसके कलेक्शन में ठीक है अब इस के आगे एक वाइडर रीजन है ठीक है तो ये जो वाइडर रीजन है इसको बोलते हैं एम्प्यूला इसको क्या बोलते हैं एम्प्यूला और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है ओवीडक्ट का ठीक है जो कि नैरो सा पार्ट है और ये जॉइन कर रहा है यूट्रस से ये जो नैरो सा पार्ट जॉइन कर रहा है यूट्रस से इसको बोलते हैं इस्थमस तो इस्थमस एम्प्युला और इन्फंडिबुलम मिलकर बना रहे हैं फेलोपियन ट्यूबिया ओविडक्ट और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवम के कलेक्शन में हेल्प करते हैं जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद उसको बोलते हैं सिम्ब्रीए है। तो ये हो गया आपका पूरा फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर अब इसके बाद क्या आता है ये बेसिकली कनेक्ट हो रहा है ओवरी से तो इसके बाद आएगा आपका सॉरी ये कनेक्ट हो रहा है एक साइड में ओवरी से तो ओवरी तो हमने पढ़ लिया और दूसरे साइड में कनेक्ट हो रहा है यूट्रस से तो इसके बाद देखते हैं यूट्रस क्या होता है अब देखिये यूट्रस होता है एक सिंगल ये पेयर में नहीं होता है ठीक है तो यूट्रस होता है सिंगल और उसको हम वोम्ब भी बोलते हैं वोम क्यों बोलते हैं क्योंकि यहीं पर जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होता है यही कैरी आपका यूट्रस ही कैरी करता है ऑफस्प्रिंग को है ना अब यूट्रस का शेप अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊ तो कुछ ऐसा नहीं है है ना कुछ ऐसा शेप है तो इस शेप को हम बोलते हैं इन्वर्टेड पियर शेप तो यूट्रस का शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप और यूट्रस ओपन होता है वजाइना में है ना यूट्रस ओपन होता है वजाइना में अब ये किसके थ्रू ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है तो बेसिकली ये, ये भी सपोर्टेड होता है पेल्विक वॉल से।, से, है? है से तो बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है पेल्विक वॉल यूट्रस को लिगामेंट्स के थ्रू ठीक है अब ये जो आपका यूट्रस है वो ओपन हो रहा है वजाइना के अंदर थ्रू है ना तो ये तो हो गया आपका यूटरस ये जो अंदर है ये है उसको बोलते हैं यूटराइन कैविटी ठीक है और ये है यूटराइन वॉल ठीक है फंडस बोलते हैं हम अब यहां पर जो आप देख रहे हैं तो पहले है सर्विक्स ठीक है एक सर्वाइकल कनाल जा रही है और किससे जोड़ रही है वजाइना से जोड़ रही है ठीक है तो ये आपका यूट्रस जो है सर्विक्स के थ्रू थ्रू सर्विक्स है उसके वजाइना से जाकर जुड़ रहा है ठीक है अब ये जो कैविटी है सर्विक्स के अंदर उसी को बोलते हैं सर्वाइकल कनाल जो मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है अब जो वॉल है यूट्रस की अब ये याद रखिएगा कि वॉल है जो यूट्रस की वो अलग अलग लेयर्स में है और जो सर्वाइकल कनाल है ठीक है वो जो है वजाइना के साथ जो है इसको हम बोलते हैं बर्थ का नाल क्योंकि यहीं से ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है ठीक है अब यूट्रस पे आते हैं तो यूट्रस की जो वॉल है ये तीन लेयर में होती है ठीक है आपको एक तो सबसे बाहर जो लेयर दिख रही है है ना एकदम से थिन से ले थिन सी लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम तो एकदम बाहर की जो लेयर है ये है पेरीमेट्रियम अब बीच की लेयर होती है जो थिक लेयर होती है तो ये जो बीच की आपको लेयर दिख रही है काफी थिक है है ना तो ये जो थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की होती है इसको बोलते हैं मायो मेट्रियम ठीक है और बिल्कुल अंदर की ये जो लेयर दिख रही है आपको इसमें आपको ग्लैंड दिख रहे हैं बहुत सारे है ना ये सारे ग्लैंड हैं तो अंदर की लेयर जो है ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम यही लाइन करती है आपकी यूट्राइन कैविटी को ये यूट्राइन कैविटी है पूरी और इसको लाइन करिए ये ग्लैंडुलर लेयर जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे देखेंगे तो बेसिकली ये जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है यही साइक्लिकल चेंजेस इसी में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ठीक है और जो मायोमेट्रियम ये जो मस्कुलर लेयर है बेसिकली जब आपकी डिलीवरी होती है बेबी की तो इसी में होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से बेबी बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है ठीक है तो सारे आप देखिए जो पार्ट है ना उनका कोई ना कोई रो रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ना तो ये तो हमारा हो गया पूरा सिस्टम जो कि आपके ओवरी से लेकर और वजाइना पे खत्म हो रहा है अब इसके अलावा जो है कुछ होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो एक बार हम वो भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का तो आपका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें जो है पार्ट्स होते हैं वो पहला होता है मॉन्स प्यूबिस ठीक है फिर दूसरा होता है लेबिया मेजोरा तीसरा होता है लेबिया माइनोरा और उसके अलावा एक पतली सी लेयर होती है जो कि जिसको हम बोलते हैं हाइमन और एक होता है क्लिटोरिस तो इसको भी एक-एक करके डिफाइन कर देते हैं तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है ना वो एक कुशन होता है फैटी एसिड का सॉरी फैटी टिश्यू का जो कवर करता है स्किन को और वहां उसी के ऊपर होते हैं प्यूबिक हेयर ठीक है तो मॉन्स प्यूबिस जो है वो बेसिकली कवर होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से इसके बाद है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा जो है वो एक फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का जो एक्सटेंड करता है जो स्टार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस तक और सराउंड करता है पूरे वजाइना को तो वजाइनल जो ओपनिंग है उसको सराउंड करता है और माइनोरा जो है वो लेबिया मेजोरे के अंदर एक फिर से जो है फोल्ड्स है टिश्यू के ठीक है तो आप समझ लो बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा होता है जो सराउंड कर रहा है उसके अंदर फिर से जो है पेयर्ड फोल्ड होते हैं टिश्यूज के वो होता है लेबिया माइनोरा अब उसके अलावा जो है हाइमेन और क्लिटोरिस रह गया तो बेसिक जो ओपनिंग होता है वजाइना को वो यूजुअली क्या है कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से बहुत ही पतले डेलिकेट मेम्ब्रेन से जिसको बोलते हैं हाइमन ठीक है और लास्ट है क्या क्लिटोरिस तो क्लिटोरिस जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एकदम ऊपर का जंक्शन है ना जहाँ पर दोनों जो है लेबिया माइनोरा जुड़ रही है ठीक है वो वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्लिटोरिस बेसिकली ये एकदम यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है तो आप ये देखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो अलग अलग ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओपनिंग अलग तो अलग होती है और जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली ओपनिंग जो वजाइना है वो अलग होती है ठीक है तो बेसिकली ये जो हाइमन की पतली लेयर होती है यही हम बोलते हैं कि इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स ये जो है टूट जाती है बट बहुत सारे केसेस में जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं है ना या फिर आप अगर आप अचानक से गिर गए हैं क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट लेयर होती है तो उन केसेस में भी ये लेयर हट सकती है ठीक है अब लास्ट जो स्ट्रक्चर रह गया वो रह गया मेमोरीलैंड का तो मैमरी ग्लैंड जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सारे ही फीमेल मैमल्स का ये पेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है जिनको हम ब्रेस्ट बोलते हैं और इनमें होते हैं बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज और फैट ठीक है तो अगर हम मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो एक तो जो है ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं पंद्रह से बीस मैमरी लोब में तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये है मेमोरी लोब ठीक है अब मेमोरी लोब्स में जो है वो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई या मेमोरी एल्वियोलस तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये बहुत सारे ठीक है ये है एल्वियोलाई ठीक है अब यही जो एल्वियोलाई के सेल्स होते हैं ना ये जब बेबी बॉर्न uh, होता है उसके बाद मिल्क सिक्रीट करते हैं है ना तो बेसिकली यही सिक्रीट करते हैं मिल्क और ये जो मिल्क सिक्रीट करते हैं वो एल्वियोलाई के ल्यूमन में या एल्वियोलाई की कैविटी में स्टोर हो जाता है ठीक है अब एल्वियोलाई जो है वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट तो ये जो आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं बेसिकली ये हैं मैमरी डक्ट ठीक है और बहुत सारे मैमरी डक्ट जो हैं वो एम्प्यूला बनाते हैं ये होता है मैमरी एम्प्यूला और ये कनेक्टेड होता है एक यहां पर ग्रुप ऑफ डक्ट है जो कि होता है लैक्टिफेरस डक्ट जहां से मिल्क जो है बेबी जो इन्फेंट होता है वो सक करता है और बाहर का जो ये पोर्शन होता है डक्ट का इसको हम बोलते हैं निप्पल ठीक है तो यहीं से जो है ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो मिल्क सब करता है उसके अलावा एक ऊपर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ठीक है और जैसे हमने बोला था बहुत सारे फैटी टिश्यूज भी होते हैं बहुत सारा फैट भी होता है अगर हम हाँ ये पीछे की बात करें ब्रेस्ट की तो सपोर्ट होता है सपोर्ट होता है एक तो रिब्स होते हैं वहां पर और दूसरा मसल्स होते हैं है ना तो मसल्स हैं रिब्स के बीच बीच में भी तो मसल्स बिटवीन रिब्स और एक पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है ये पूरा सिस्टम जो पीछे का आपको दिख रहा है ये जो आपका मैमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है उनको सपोर्ट कर रहा है ठीक है तो गाइस इसके साथ ही हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया है हमने पूरा जो आपका पेल्विस रीजन का स्ट्रक्चर होता है इन एडिशन टू दैट मैमोरी ग्लैंड उसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया है आई होप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा इन केस नहीं आया है तो जरूर मेरे से क्वेश्चंस पूछिए हेजिटेट नहीं कीजिएगा आप या तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आप मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगी इन केस आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं सारे टॉपिक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो देट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें आगे जितनी भी वे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ ठीक है थैंक्स गाइज बाय